महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर एक बड़े हमले को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, पिछले काफ़ी टाइम से जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में कमी की जा रही है और साथ में ही उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने चौंकाने वाला दावा किया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो इस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए बोला कि उद्धव ठाकरे के घर आवास मातोश्री के बाहर हमला करने की एक बड़ी साजिश थी और इसको लेकर अब जो है वो लोग नाकामयाब हो गए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा घटना हो सकता था। उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत के द्वारा बोला गया कि हम जानते हैं कि युवक कौन थे, क्या हो रहा है, हमारे पास सारी जानकारी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर को उड़ाने के लिए धमकी देने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुस्लिम नाम लिए थे, या लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में धार्मिक तनाव पैदा करके चुनाव जीतने या चुनाव का सामना करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया। उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। उनके द्वारा बोला गया कि ठाकरे परिवार की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, यह महाराष्ट्र की संदिग्ध सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह आग उगलने वाली सरकार है। जिस तरह से ठाकरे परिवार की सुरक्षा है उसी तरह शिवसेना नेताओं की सुरक्षा है जो कि छीन लिया गया है। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की होगी। संजय राउत के द्वारा बोला गया कि यदि आपको सूचना मिले कि कोई कांड या दुर्घटना हुआ है तो कार्रवाई करें, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, जिस तरह से सुरक्षा की कमी की गई है यह कैसी राजनीति है, हम इससे नहीं डरेंगे, हम ठाकरे परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं, राउत ने ये भी बोला। उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हुए हादसे की जानकारी देने वाले कॉलर ने मुंबई गुजरात ट्रेन से यात्रा के दौरान हुई कथित घटना के बारे में बताया। शख्स ने फोन पर कंट्रोल रूम को मुंबई गुजरात ट्रेन से 4 से 5 मुस्लिम लोगों की बातचीत की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि शख्स ने यह जानकारी दी कि ये मुस्लिम युवक उर्दू में बातचीत कर रहे थे। दावा है कि कंट्रोल रूम को बताया गया कि यह युवक मोहम्मद अली रोड पर एक कमरा किराए पर लेगा और इस जानकारी के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई और माना जा रहा है कि सुरक्षा और गश्त बढ़ा दी गई है। बाय द वे, इसकी वजह से संजय राउत ने पूरी तरह से बवाल मचा के रखा है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, जो क्या उद्धव ठाकरे के ऊपर इस तरह का हमला हो सकता है या नहीं, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।